काम करती है। मेमोरी में एक तो क्वांटिटी की लिमिट है कि आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसकी लिमिट सबकी होती है, अलग अलग होती है, और वो मेमोरी की लिमिट आप जितनी बढ़ाएंगे उतनी बढ़ती जाएगी, वो अपने आप रेडीमेड बढ़ के नहीं आती है, आपके बढ़ाने से ही बढ़ेगी। दूसरा मेमोरी का एक सिंपल तरीका है, मतलब गजनी फिल्म का नायक आपको याद होगा, टोटल मेमोरी लॉस उसको होता था। हम सबको उतना तो नहीं होता, लेकिन हम सबको भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है कि आपने कुछ पढ़ा तुरंत याद है, जो फ्रेश है वो याद है, आधे घंटे बाद कुछ चीजें भूल जाएंगे, दो घंटे बाद कुछ और भूल जाएंगे, छह घंटे दो दिन बाद सब भूल जाएंगे, ये बहुत सामान्य बात है। हमारी मेमोरी जिस फंक्शन पे काम करती है वो ये है कि जो हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो हमें याद रहता है, जो हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो भूल जाते हैं, एक सामान्य बात है। और ये बहुत बड़ा वरदान है जो मनुष्य को मिला हुआ है, अगर हम भूल ना पाए तो जिंदगी नरक बन जाएगी। भूलने का वरदान बहुत बड़ा वरदान है, आप दिन भर में इतनी चीजें देखते हैं सुनते हैं, अगर सारी हमेशा आपकी चेतना में रहें तो आपका क्या हाल होगा अंदाजा लगा के देख लीजिए। और मैं मनोविज्ञान के भाव से भी कह रहा हूँ कि जीवन में कुछ बुरे क्षण आते हैं, उनको नहीं भूल पाएंगे तो फिर जिएंगे कैसे। तो पहली बात तो भूलना एक समस्या नहीं, भूलना एक वरदान भी है, समस्या के साथ साथ वरदान भी है। अभी आपके लिए समस्या है कि जो पढ़ा वो भूल गए, उसे कैसे मैनेज करें। तो उसका तरीका यह है कि पहली बात मेमोरी की लिमिटेशन को ध्यान रखते हुए मेमोरी के अंदर कूड़ा मत भरिए, यानी कि निरर्थक चीजें मत भरिए, जो बेकार के तथ्य हैं उनको मत भरिए, काम की बातें मेमोरी में लेके जाइए, पहली बात तो ये। दूसरा, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको लिख लिख के याद कीजिए, कभी कभी फार्मूले बना के याद कीजिए। आपने कभी ना कभी बचपन में कोई फार्मूला बना के याद किया ही होगा, जैसे सारे राज्यों के नाम याद करने हैं तो राज्यों के नाम के पहले पहले अल्फाबेट्स लेके एक वाक्य बना लिया जिससे वो अल्फाबेट्स जुड़ रहे हैं आपस में। अब क्या हुआ कि आपने एक वाक्य याद किया और वाक्य के हर शब्द से हर वर्ण से एक राज्य के नाम का लिंक बना रखा है। ये जो मैकेनिज्म होते हैं इंडिविजुअल होते हैं, हर व्यक्ति अपने स्तर पर करता रहता है, तो बहुत जरूरी और बहुत बड़े तथ्यों को याद करने के लिए फार्मूले बना लीजिए, बाकी तथ्यों को याद करने के लिए लिख लिख के याद कीजिए। और जो मैंने पहले ही कहा कि तीन रिवीजन होने के बाद आप गजनी बिल्कुल नहीं बनेंगे, फिर आप गजनीपन से बाहर निकल जाएंगे। और तीन रिवीजन कब करनी है, एक डेली बेसिस पे, एक वीकली, एक मंथली, अगर आपने तीन बार रिवाइज कर लिया तो नहीं भूलेंगे। सैर कर लीजिए दिन में एक घंटा, सैर करते समय अपने आप से बोलते रहिए, जो जो पढ़ के आए थे उसको रिवाइज करते रहिए, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसको सुनते रहिए, तो जहां तीन चार बार आपने रिवाइज किया फिर कहां कोई भूलता है। और जो चीजें बार बार भूल रहे हैं उनको विशेष रूप से पॉइंट्स के रूप में लिख लिख के याद कर लीजिए तो याद रहेगा। देखिए, दो वाक्यों में सारी बात का सार बता रहा हूं। आईएएस के एग्जाम का सिलेबस इतना ज्यादा है कि किसी को आज तक पूरा याद नहीं हुआ है, आपको भी नहीं होगा, कितना भी जोर लगा लीजिए कभी याद नहीं होने वाला, ठीक है। तो दो वाक्यों में पूरी बात समझ में आ जाएगी। पहला वाक्य ये है कि एग्जाम से एक दिन पहले ये लगना कि कुछ भी याद नहीं आ रहा, ये एकदम सामान्य बात है, आपको भी लगेगा। कितना भी पढ़ लो, कितना भी रिवाइज कर लो, कितने ही फार्मूले बना लो, एग्जाम के एक रात पहले ये बेचैनी होगी कि सब भूल गए, कुछ याद नहीं आ रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आप ठीक है, आप मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है, कोई चिंता की बात नहीं। आप एग्जाम में जाएंगे, कई प्रश्नों को देख के ये भाव आएगा कि कुछ पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं, ये भी सामान्य बात है, लेकिन आपको हर प्रश्न में उतना याद आ जाएगा जितना लिखने से आपका काम चल सकता है, क्योंकि आपने याद इतना किया हुआ है कि आप हर प्रश्न में 2000 शब्द लिख सकते हैं और लिखने 200 शब्द हैं, 200 शब्दों के लायक आपको याद आ जाएगा परीक्षा में, अच्छे से याद आ जाएगा। पूरे पेपर में एकाध प्रश्न में एकाध पॉइंट याद नहीं ही आएगा, वो एग्जाम से बाहर निकलते ही याद आएगा, ये भी सामान्य बात है। और बाहर निकलते आप कोसेंगे, अरे वहां याद नहीं आया, बर्बाद हो गया, सबके साथ ऐसा होता है। तो जितना आपको चाहिए परीक्षा में ना उतना याद आ जाएगा, भरोसा रखिए, और उतने से लोग आईएएस बन जाते हैं। जो आईएएस टॉप करते हैं वो भी इन्हीं सब अवस्थाओं से निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनके अंदर कोई चिप लगी हुई है एक्स्ट्रा 500 टेराबाइट की, सब याद रहता है उनको, वो भी ऐसे ही है, उनको भी याद नहीं रहता, दुखी रहते हैं, और एक दिन अचानक पता लगता है कि वो आईएएस टॉपर हो गए, तो लोग उनसे उम्मीद करने लगते हैं कि इनके अंदर कुछ टेराबाइट की चिप लगी हुई है।
जबकि वो भी आप की स्थिति में थे, कोई अलग अजूबा उनके साथ भी नहीं था। ठीक है।